मैं जितना लकड़ी इस समय मैं ला रहा हूँ महामारी में, इससे पहले मैं कभी लकड़ी नहीं लाया था और बहुत ज्यादा ही लकड़ी खप रहा है यहाँ पे। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। दिस इज राजा हरिश्चंद्र घाट ऑफ वाराणसी, वन ऑफ द होलीएस्ट प्लेसेस फॉर क्रिमेशन इन हिंदुइज्म। During the first wave of COVID, which hit India and the world in early 2020, this place saw a marginal rise in cremations. But the story is completely different now. This ghat used to observe cremations of about 30 to 35 people a day. But now it's reached to a whooping 150 to 200 dead bodies a day. I met Bablu this morning, who cremates bodies here. And he said that he doesn't get much rest after the second wave has hit the Varanasi. बॉडी में जला दे भैया कि हम खुद परेशान हो गए, ये कि कोई दिक्कत नहीं, क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। इंसान ऐसा लाइन लगा है कि जैसे बारात होता है ब्याह करने का, खुशी ये खुशी नहीं तभी दुखी है। ये ऐसा मतलब यहाँ पे चल रहा है महामारी कि बॉडी का लाइन लगा है, कोई जिसका परिवार है वो खुद नहीं उठा रहा है, डर के मारे रोज रोज 24 घंटा बॉडी जल रहा है 24 घंटे। हाँ देखिए सर, लकड़ी फेंकने वाले हैं, मजूरा है, ये सब पूछिए तो पूरा फेंका फेंका लकड़ी तो लोग थक जाते हैं। सेम इज द केस विद टिम्बर ट्रेडर्स हु वर्क टायरलेसली टू अरेंज एंड डिलीवर वुड फॉर बायर्स। मैं जितना लकड़ी इस समय मैं ला रहा हूँ महामारी में, इससे पहले मैं कभी लकड़ी नहीं लाया था और बहुत ज़्यादा ही लकड़ी खप रहा है यहाँ पे, और जो भी यहाँ पे लाइन लगी है मिट्टी का आए। और ये है, अब ये भगवान से हम लोगों का ये प्रार्थना करना चाहिए कि जो भी ये परेशानियाँ मुसीबतें आई हैं इसको अब ये भगवान ही दूर कर सकता है। मैं एक दिन में कम से कम इस पहले तो मतलब ये महामारी नहीं था तो करीब करीब 4 क्विंटल 5 क्विंटल मतलब मैं ले आता था, कभी कभी 7-8 क्विंटल हो जाता था। अब इस समय जो है कि 12 क्विंटल 15 क्विंटल हो जा रहा है, अब क्या करें, मजबूरी है, लाना ही पड़ेगा, नहीं लाएंगे तो यहाँ के मिट्टी कैसे ले जाएगी। कितने घंटे तक लकड़ियाँ आती हैं यहाँ पे रात भर? यहाँ तो इस समय बहुत ज़्यादा ही आ रही है, करीब 2400 घंटा लकड़ी आ रही है। इतना लकड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं कि जैसे घाट पे हर एक समय मतलब एक्स्ट्रा लकड़ियाँ रहती थी, लेकिन इतना मतलब मिट्टी आने लगा यहाँ पे कि जो है कि यहाँ पे लकड़ियाँ सारी उड़ा गई। बॉडी करीब करीब नहीं तो हमारे अंदाज से, दिन की मैं बात बता रहा हूँ, हमारे देखे में अंदाज से करीब करीब नहीं तो 200-250 दिन में। रात में कितना हो रहा है? Shubham Agarwal got COVID on 15 April and had since been in home isolation. But 2 days ago, his mother started developing symptoms and she died today. अग्रवाल है और मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था तो मैं घर में क्वारंटाइन हो गया। मेरे घर में क्वारंटाइन, मेरी बुआ, मेरे पापा, मेरी मम्मी में छुट्टी पर, मेरी वाइफ अलीन अपने घर गई हुई है, तो मेरी मम्मी, मेरी बुआ ही मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मैं अपने रूम से नहीं निकलता था। तो लेकिन मम्मी आती जाती थी, कभी मास्क लगाती थी, कभी नहीं लगाती थी, पर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है मम्मा को कब हो गया, कैसे हो गया। आज मेरी मम्मा एक्सपायर कर गई हैं। घर में मुझे लगा कि सबका टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन डर से कि भाई पॉजिटिव निकलेगा तो गवर्नमेंट वाले क्वारंटाइन कर देंगे, इस तरह तरह की बातें थी मार्केट में, इसलिए किसी ने टेस्ट नहीं कराया। फिर तो हुआ कि धीरे धीरे सही हो, उनको सिस्टम आया फीवर का तो उन्होंने पैरासिटामॉल वगैरह खाए थे, लेकिन क्या एक दो दिन ऐसे चला, तीसरे दिन तो मेरे हॉस्पिटल लेके गया। मेरी मम्मा को अच्छी थी, पर बोल रही थी बस ऑक्सीजन लेवल 80-85 आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी रिकवर हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने से मैं ऑक्सीजन घर पर एक ही बार लेके आया और फिर मैं हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वो धीरे धीरे हालत बिगड़ती गई और 2 दिन में वो एक्सपायर कर गए। कोरोना के चक्कर में ऐसा यहाँ पे ज़्यादा डेड बॉडीज घाट पे जल रहा है, यही नहीं यहाँ पे चारों मसान घाट में ऐसा ही हाल है, दिन भर डेड बॉडी जली जा रही है यहाँ पे, यहाँ रुकने का नाम नहीं रहा, 24 घंटा डेड बॉडी यहाँ पे जल रही है। दिस इज साजिद अली रिपोर्टिंग फ्रॉम वाराणसी फॉर द प्रिंट।